हेलो गाइस, कैसे आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पांच वीवीआई क्वेश्चंस जो 2020 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बीएससी थर्ड ईयर के लिए वीवीआई क्वेश्चंस मैं लेके आ गया हूँ, जिनका मैथ नट्स है इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पेपर में आपको 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में, और जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाँच टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, मतलब एक टाइप में आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दूसरे टाइप में आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसी टाइप में से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी आपको ये क्वेश्चंस पूछ दिया जाएगा था, कभी ये पूछ दिया जाएगा। तो वीडियो का बिना स्किप किए कंप्लीट देखिएगा, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएँ इसका पैटर्न पूछने क्या है, और आप इसमें आसानी से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हम आ चुके हैं टॉप वीवीआई क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चंस बताऊंगा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, और ये आपका पेपर 7 में पढ़ने हैं बीएससी थर्ड ईयर में। तो मैं आपको एक टाइप का फर्स्ट क्वेश्चंस बताता हूं। देखिए आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं मॉन्क्स मेथड पर, ठीक है। मॉन्क्स मेथड ऐसा एक मतलब है थ्योरम, इसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और एग्जाम में इसी 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप ये 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आप एग्जाम में कोई भी अगर क्वेश्चंस आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर आपने क्वेश्चंस बैंक पलटा होगा 5 साल का, तो आपको 3 से ज़्यादा क्वेश्चंस कहीं देखने को नहीं मिलेगा मॉन्क्स मेथड का, ठीक है। ये हर साल पूछा जाता है, और 2020 में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बी नंबर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 2019 में पूछा गया था ये और ये। तो आपको क्या करना है कि तीनों क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से कर सके। ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया मॉन्क्स मेथड के, तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। और सेकेंड की बात करूँ तो ये देखिए चार्ट पीट मेथड पर आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर 4 क्वेश्चन आपने कर लिया तो मतलब आपका ये चार्ट पीट मेथड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है, यूजिंग द चार्ट पीट मेथड। और ये क्वेश्चन कभी पूछ देगा, कभी ये पूछ देगा, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, हल्का डिफरेंस है। और सभी का लिंक मैं आपको मतलब कैसे आपको मतलब देखना है, मैं सभी का वीडियो बना चुका हूँ, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ सभी का वीडियो मैं बना चुका हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पर जाकर सभी का वीडियो आसानी से आप देख लीजिएगा। और देखिए ए नंबर हो गया, और बी ये इसका ऑर्डर निकालना है, 1 ऑर्डर, ये भी चार्ट पीट मेथड का है, और ये भी चार्ट पीट मेथड का है, और ये भी चार्ट पीट मेथड का है, ठीक है। ये वाला डी नंबर, ये 4 ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चंस बैग देखा होगा तो इसी क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है, कभी ये क्वेश्चंस पूछेगा तो कभी ये क्वेश्चन पूछेगा, कभी ये पूछेगा तो कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा। तो आपको चार पेज मेथड का यही क्वेश्चंस कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है, एग्जाम के मतलब बचा हुआ है 1 सप्ताह 2 सप्ताह, तो आप इतना ही करके जाइएगा, आप साइंस से अच्छा नंबर इसमें ला सकते हैं चार पेज मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए। तीसरे टाइप में चलते हैं सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो 5 साल के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, और देखिए ये सब क्वेश्चन को आपको नोट डाउन कर लेना है, सभी को प्रैक्टिस करना है। और सभी का वीडियो मैं बना दिया हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। ये सी नंबर, डी नंबर, ये थोड़ा नंबरिंग में गलती हो गया है, लेकिन आपको देख लेना है। ये भी सिमल्टेनियस का सभी क्वेश्चन है, देख लीजिए। और ई एफ तक, ये आप में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना आपको 6 से 7 क्वेश्चन तीसरे टाइप में, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसको आपको नोट डाउन करके इतना ही को प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसे तो आप सभी का प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसी में क्वेश्चन फंसेगा, इसी में क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ पैरामीटर से, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करते हैं वीवीआई क्वेश्चन है, इसका भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर और ई नंबर, यही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इस पर ज़्यादा आपको फोकस कर लेना है, इसको कंप्लीट कर ही लेना है, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद ही आपको कुछ टच करना है, अलग से कुछ बनाना है, जिसको आपको कंप्लीट कर लेना है तभी आपको अलग बनाना है। और 5 नंबर है आपका, देखिए एक्सप्लेन करना है लैग्रांज मेथड से फॉर सॉल्विंग करना है, कैपिटल पी है, इस कैपिटल पी, इस पर स्मॉल पी, फिर कैपिटल क्यू है, एक स्मॉल क्यू बराबर आर आपको दिखाना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए। तो इतना 5 क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप और मतलब किसी का और गेस क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। और मैं आपको पेपर सिक्स का मैं आपको आंसर दूंगा, जो मैं आपने गेस क्वेश्चन किया था इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो आपको और क्वेश्चंस कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब वीडियो को सबको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।